वेलकम फ्रेंड्स, आरवी मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम हिंदी टेक्स्ट सर्कल में टाइपिंग करते हैं तो इस प्रकार से लेटर के बीच में ब्रेक आ जाता है और लेटर अलग अलग दिखाई देता है। इसको हम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाएं, एग्जाम्पल के लिए हमने एक लोगो बनाया है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना है, आज इसी के बारे में हम सब जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इलिप्स टूल से हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट की F7 है। एक छोटा सा बना ले रहे हैं सर्कल और फिर हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे। अब हम टेक्स्ट को टाइप करने के बाद टेक्स्ट को कर्व करेंगे। शॉर्टकट की Ctrl-Q है। टेक्स्ट को हमने कर्व कर लिया है और फिर टूल बार में जाकर आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर क्लिक करेंगे। इसको शॉर्टकट की I है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी बार में जाकर ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रॉपर्टी बार में ही ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक, इसे हम क्लिक करेंगे। हम सेव कर लेते हैं लोगो के नेम से। इसको हमने लोगो के नाम से सेव कर लिया है। सर्कल का डुप्लीकेट कर ले रहे हैं एक और फिर टूल बार में जाकर आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाकर कस्टम पर क्लिक करेंगे और फिर इस ब्रश स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, जो हमने टाइप किया था उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से पाथ हो जाएगा और फिर टूल बार में जाकर सेव टूल सेलेक्ट करेंगे। सेव टूल का शॉर्टकट की F10 है। इससे हम फिर सर्कल पर क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टी बार में जाकर आर्क पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग हो गया। इसको हम और फिर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए एडजस्ट करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम सेट कर लेते हैं। अभी हमको लेटर बहुत पतला दिखाई दे रहा है तो इसके विड्थ को हम बढ़ा दे रहे हैं फिर से। तो इसके हम विड्थ को बढ़ा दे रहे हैं। दोबारा टूल बार में आर्टिस्टिक मीडिया टूल सेट करेंगे, फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर इसके विड्थ को यहां से हम बढ़ा दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो इसका ये विड्थ ऐड हो गया, 10 कर दे रहे हैं। आप इसको पूरा सर्कल में भी सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप परफेक्ट तरीके से सर्कल में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।